मिनी लंदन, मैकलुस्की गंज, प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। बाबूलाल मरांडी ने धनबाद में पुलिस अधिकारियों को हेमंत सरकार का वसूली अधिकारी और कोयला की तस्करी में शामिल होने का आरोप लगाया है। बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि धनबाद में पुलिस के अधिकारी कोयला और लोहे की तस्करी में शामिल हो गए हैं और इसके साथ ही वसूली कर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पैसा पहुंचा रहे हैं। बाबूलाल मरांडी ने बाघमारा के पोलो ग्राउंड में संकल्प सभा को संबोधित किया। आपकी कृपा मंदिर स्वागत कर रहे हैं। आग्रह होगा आदरणीय सावित्री देवी जी से, कदने मरांडी जी को पुष्प पुष्प लेकर स्वागत करेंगे। सावित्री देवी जी अपने दुनु मतु जिसके राम राज के मोमेंटम देकर जो झारखंड में ऐतिहासिक है, तालियों से बजाकर स्वागत करेंगे राम राज मंदिर का आदरणीय मरांडी जी को। बाघमारा वीडियो का आगमन इस मंच पर हुआ है। हेमंत सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए तलवार भेंट कर रहे हैं जो सड़ी गली सरकार है। आप लोगों ने देखा लगा था जनता पार्टी ने क्या है कहते हैं कि आदिवासी हमदर्द है, जल जंगल जमीन के रक्षक है। चुनौती को स्वीकार करो और मेरा चुनौती के लेते हुए क्या हालत है इस प्रदेश में हम पता लगाए। हमने कहा कि ऐसा क्यों हो रहा है जब इस प्रदेश में बाबूलाल मरांडी मुख्यमंत्री रहते, अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री होते, रघुवर दास जी मुख्यमंत्री होते, यही पुलिस होती है। अपराधी डरते हैं और भागते हैं, छूटते आते वहां। लेकिन हेमंत सोरेन के मुख्यमंत्री बनते ही अपराधी देखाओ होकर के अपराध करते हैं। अगर जी रहे हैं आज तो झारखंड की जनता दी गई है, धनबाद की जनता दी। हमने पता लगाया, हमने कहा कि क्या हो गया, कहां गड़बड़ी हो रही है, तो पता क्या चला। चला के पहले पुलिस का काम होता है अपराधियों को पकड़ना, चोरों को पकड़ना, गुंडों को पकड़ना, जेल में डालना, उनको सजा दिलाना। लेकिन अब पुलिस का काम क्या है, वसूली में पुलिस को हेमंत सोरेन जी ने लगा दिया। यहां कोयला से वसूली करो, बालू से वसूली करो, बस यही काम चल रहा है। धनबाद में तो लोग बोलते हैं रात में खूब कोयला कपाते हैं। एक एक पुलिस ऑफिसर पता नहीं कहां पैसा रखते हैं। हमने कहा कि यह धनबाद वाले पूरा तो बता दो कहां रहता है। अगर ये ऑफिसर आज सोच रहा है कि हम कमा करके रख लेंगे, तो हमने कहा कि जिस दिन बीजेपी की सरकार आने वाले समय में बनेगी तो हम लोग कानून बना देंगे और जितनी भी दौलत इकट्ठा कहीं भी कर लेंगे उसको भूल निकाल करके उसको जब्त करके और सरकारी कामों में उसको लगा दिया जाए। इसलिए अगर आज कोई ऑफिसर समझ रहा है, चाहे पुलिस ऑफिसर हो चाहे सिविल ऑफिसर हो, कि हम लोग लेंगे बचा लेंगे मोदी जी ने, तो खाए न खाएंगे न खाने देंगे। आप देख रहे होंगे किस प्रकार से ईडी वालों ने 9 वर्षों में 1,00,000 करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त की है। तो झारखंड में भी जो लोग इस प्रकार के लोग करके माल को अपने तिजोरी भर रहे हैं, उनको भी हम सावधान कर देना चाहते हैं कि अभी भी समय है, अपने आप को जेल में जाइए। नहीं तो आप जहां कहीं भी दौलत को इकट्ठा करेंगे, चाहे आपके रिश्ते नातों में ही क्यों ना आप इकट्ठा करेंगे, तो उस दौलत को निकलवा देंगे हम लोग और उसको झारखंड की जनता के बीच में काम के लिए बात किया। ऐसा कैसे होगा? अब वसूली में लगे हुए बालू देखते हैं ट्रैक्टर से कहा जा रहा है, उसको पकड़ो, उससे पैसा वसूल करो। बात सही है कि नहीं, गलत बोलेंगे तो बोल देना। नहीं सर, यहाँ पुलिस वाले जो कोई गड़बड़ नहीं कर रहे, पुलिस वालों को पूछते हैं यार ऐसा क्यों करते हो, जी पता करो, तो बोलते हैं सर हम लोग ये देख करके आते हैं, लेना देना पड़ेगा। तो हम बोले कि भुगतना तो आप ही लोगों को पड़ेगा। तो ये हालत है इस राज्य की, भ्रष्टाचार कैसे समाप्त हो?
तो कानून व्यवस्था कैसे ठीक होगी जब पुलिस का काम कानून का काम नहीं, अपराधियों को पकड़े नहीं करता, कोई छोड़ करके पुलिस वसूली नहीं। जब टूटती है आप, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।